तो गाइस कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक चॉइस दूं, जैसे कि आपकी फैमिली और अपोजिट में कोई भी ऐसा बंदा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो हाँ, कुछ इसी टाइप से आपको चॉइसेस मिलने वाली है इस गेम के थ्रू, एप्स्टर ट्रॉली प्रॉब्लम्स, लेट्स गो। तो गाइस देखो, गेम का वंडा काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे हमें एक ट्रेन मिलती है एंड हमें कुछ कहा जाता है, देख लो नीचे कुछ कहा जा रहा है हमें, मतलब हमें चॉइसेस मिलती है इस स्टेटमेंट के थ्रू कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे देख लो एक सिंगल बंदा है और यहाँ पे पांच बंदे हैं, हमें किसे मारना चाहिए। और यहाँ पे ये जो बंदा है ना, वैसे तो इसे मारना चाहिए क्योंकि यही लीवर पुल करेगा और इनमें से कोई ना कोई बंदा मरने वाला है। तो देखो इसमें सिंपल है, अगर हम डू नथिंग पे टैप करेंगे तो ये पांचों बंदे मर जाएंगे, और पुल द लीवर पे करेंगे तो ये एक बंदा मरेगा। तो आपकी क्या चॉइस रहने वाली है लेवल वन पे, ये लेवल वन है, तो आपकी क्या चॉइस रहने वाली है, पांच बंदों को निपटाना या फिर एक बंदे को निपटाना, कौन ज्यादा बेनिफिशियल होगा? बट हाँ देखो, एक बंदे को हमें निपटाना चाहिए क्योंकि एक बंदा ज्यादा कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएगा भाई। ये पांचों बंदे मिलकर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो शायद मेरे को पुल द लीवर करना चाहिए और इसे उड़ा देना चाहिए। देखो 73% लोग मेरे साथ एग्री करते हैं और ये 27% लोग, बाबू थोड़ा दिमाग लाओ। नेक्स्ट, ऑल राइट, लेवल टू अपने पास आ चुका है और यहाँ पर भी हमारे पास चार बंदे दे दिए और यहाँ पे पांच बंदे दे दिए। बट ये चिल्ला दे, कहते रहे वाओ। और यहाँ पर भी देखो सिंपल वही वाला फंडा है यार, यहाँ पे पांच बंदे हैं और यहाँ पे चार, तो यार मैं यहाँ पर भी चार बंदों को ही मारना चाहूंगा यार। चलो यार पुल द लीवर कर दो, खत्म भाई साहब। और 65% लोग मेरे से एग्री करते हैं, फिर से ये 35% लोग महान महान उबड़े हैं, महान जिसे कह सकते हैं ना, जो वीडियो डिसलाइक नहीं कर रहा वही है ये 35%। It was at this moment that he knew he fucked up. ओ सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, मैंने बोल दिया जो डिसलाइक नहीं कर रहा, जो लाइक नहीं कर रहा, ठीक है वो है ये 35% बंदे। लेवल थ्री, यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे पैसे वाली बातचीत आ चुकी है और तुम मेरा लालच पना यहाँ पे देख पाओगे आसानी से। नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं लालची नहीं हूँ बिल्कुल भी। यहाँ पे देख रहे हो ये इतने सारे डॉलर्स पड़े हैं भाई साहब, जो कि हमारी सेविंग है, और यहाँ पे पांच बंदे हैं जिन्हें कि हम उड़ा सकते हैं। तो मेरा देखो, मेरा दिमाग क्या कहता है, मैं सोचता हूँ कि ये डॉलर्स है, डॉलर्स को उड़ा देते हैं, और डॉलर्स अगर उड़ भी जाते हैं तो हमें मिल तो जाएंगे यार साइड में पड़े हुए, और वही मैंने ये पांच बंदे मार दिए तो उल्टा मेरे पे इल्जाम भी लगेगा और पैसा वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा यार मेरे को, मतलब मेरे को पैसा मिल गया और कोई मेरे को सुना रहा है ऊपर से, वो अच्छा नहीं लगेगा। या एक सिनेरियो में और बना सकता हूँ, इन पांचों बंदे से मैं डिमांड करूंगा भाई सब पैसों की, जितनी इसकी वर्थ होगी ना, ये जो पैसे पड़े साइड में मेरी सेविंग्स के, इन सबसे डिमांड करूंगा कि मेरी सेविंग्स से ज्यादा हो जाए, तो शायद वो वाला सही रहेगा। तो मैं इन बंदों को ही बचाऊंगा, पैसों को उड़ा दूंगा, ठीक है। पुल द लीवर भाई साहब, पैसे अब मैं साइड में से जाके बटोर लूंगा पैसे। फिलहाल हाँ यहाँ पे 63% अच्छे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, मतलब दुनिया संकट में नहीं है, दुनिया सही है, सही चल रही है अभी। लेवल फोर देख सकते हो, यहाँ पे भाई साहब लेवल फोर आ चुके, यहाँ पे मैं आ गया जो कि अभी मैं लीवर हटा रहा था ना, मतलब ओहो, यहाँ पे जो बंदा लीवर हटा रहा था ना, जिससे कि डायरेक्शन चेंज हो रही थी, वो तो वो बंदा मैं ही था, बट उसे मैं अपने आप पे नहीं लेना चाहता मैं, बट इन्होंने मेरे को दे दिया ये, देख रहे हो लीवर वाला बंदा वही था और यहाँ पे पांच बंदे दे रखे ऑफ कोर्स, और यहाँ पे एक बंदा दे रखा, तो यार मैं अपने आप को नहीं मानना चाहूंगा यार, सिंपल सी बात है। नहीं यार मैं क्या करूं, यही तो संकट आ गया, देख रहे हो अब यहाँ पे वो मैटर करेगा कि कितने परसेंट लोग क्या चाहते हैं, तो शायद बहुत सारे परसेंट लोग ऐसे ही चाहेंगे कि वो ना मरे और औरों को मंडे दे। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और 60% लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, बाकी यार 40% लोग में गुदा है भाई साहब, है वही है। अगेन 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 फिर से आ चुकी है बढ़िया वाली प्रॉब्लम, प्राइसलेस पेंटिंग लेवल 5। इसमें देख रहे हो यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है मोनालिसा की, इसको बनाया था रोनाल्डो लियोनार्डो द विंची, अबे किसने बनाया था? एक मिनट देखता हूँ भाई, देखता हूँ किसने बनाया, हाँ लियोनार्डो द विंची, मैंने बिल्कुल सही कहा था, मैं रोनाल्डो कर रहा हूँ। पेंटिंग की वर्थ भी देख लेते हैं, यहाँ पे आज के समय में 2021 में ये मिलियन में है, बिलियन में नहीं है, 867 मिलियन है, ठीक है। ये जो पांचों बंदे हैं, मेरे को इतना सारा पैसा दे दे तो मैं इनकी जान बचा दूं। नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं यार देखो कितना बड़ा अमाउंट है, ये सोच के देखो एक बार, तुम खुद सोच के देखो इतना बड़ा अमाउंट तुम कैसे ठुकरा सकते हो। बट यार अगर विजन बड़ा हो तो ठुकरा भी सकते हैं, अगर मुझे लग रहा हो कि आगे मुझे मिल जाएंगे इतने पैसे, और इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है पैसों वाला के ये पैसे ठुके और पैसे साइड में गिर जाएंगे, नहीं भाई पेंटिंग तो तबाही हो जाएगी सही।
क्योंकि पेंटिंग पे जरा भी क्रैक आया तो पेंटिंग की हालत खत्म है भाई साहब। और वहीं अगर मैं 5 बंदे बचाता हूँ तो ये मेरे को कुछ नहीं देने वाले। यही तो है दिक्कत, अब क्या करूं मैं, लिवरपूल करूं या ना करूं। चलो इसमें मैं बचा लेता हूँ, देखो मैं बचा लेता हूँ इन 5 बंदों को, और ये मेरे को दुआएं देंगे वो मेरे लिए ज्यादा प्रीशियस होनी चाहिए। तो मैं डू नथिंग नहीं करूंगा, मैं करूंगा पुल द लीवर। तो पेंटिंग जाए भाड़ में, नहीं चाहिए पैसे। ऑलराइट 78% लोग मेरे साथ एग्री करते हैं भाई, कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे मेरे साथ एग्री करते हैं। 22% यू लालची यू ग्रीडी ये नहीं है भाई, ये कहीं के नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ ये किसी के नहीं हो सकते। 22% ये लोग है, ये किसी के नहीं हो सकते। Level 6 ये जो अमीर आदमी है ये कह रहा है अगर तुम लीवर को पुल कर दोगे, मतलब लीवर को अगर हम पुल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बंदा मरेगा जो यहाँ पे बैठा हुआ, जो मुझे कुछ ही नहीं दे रहा। ऐसा वाली बातचीत यहाँ पे आ जाती है ना, तो वहां थोड़ा समझ रहे हो देखो मेरे को किसी एक को तो मारना ही मारना है, ये तो पक्का है ना, किसी एक को मारना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं दोनों को बचा सकता हूँ, तो किसी एक को अगर मारना ही है और मेरे को कुछ उससे फायदा भी हो रहा है तो डेफिनेटली मैं इस रिच मैन की बात मानूंगा एंड पुल द लीवर कर दूंगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अबे देख रहे हो ये देखो इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा ना, ये बात इन्हें समझ नहीं आई 52% लोगों को। वही है बस, ब्रेन की बात रह जाती है। तो आओ नेक्स्ट करते हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तुम्हें भी, मुझे भी आ रहा है। Level 7 लेवल ऑफ सेंटेंसेस। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 5 लॉबस्टर्स हैं यानी केकड़े, हम जिन्हें कह सकते हो, 1 बिल्ली यानी कैट। ओके केकड़ों को मारो यार, क्या क्या मतलब है केकड़ों का, इस पे तो डिस्कशन भी नहीं बननी चाहिए। डू नथिंग एंड केकड़ों को उड़ाओ भाई साहब, ये चाइनीज माल है। Level 8 स्लीपिंग। ओके अब देखो, अब यहाँ पे बातचीत आ चुके। देखो तो एक बंदा है जो कि जगा हुआ है पूरे होश और आवाज में, उसे पता है मेरी मौत आने वाली है, और वही ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 5 बंदे जो कि सो रहे हैं भाई साहब, घोड़े बेच के सो रहे हैं मस्त एकदम अपना, और इन्हें पता नहीं लगने वाला अगर मैंने इन्हें मार दिया तो शायद मुझे यही करना चाहिए। इन्हें दर्द भी नहीं होगा ना, वो भी तो मैटर करता है, दर्द वाला एहसास भी तो मैटर करता है। देखो इन्हें ऐसी मौत मिलेगी जैसे ये मर गए और इन्हें पता भी नहीं चला, ये सोते रह गए, ये ऊपर गुड बाय हो गया इनका सोते हुए, बट ये वाले बंदे को पता चलेगा तो वो पेनफुल होगा काफी ज्यादा, और इनके लिए पेनफुल नहीं होगा तो शायद मैं डू नथिंग करूंगा एंड सोते हुए बंदों को असली में सुला दूंगा। ये देख रहे हो यहाँ पर भी 5 बंदे बचाए इन्होंने, ये दर्द पेन वाला समझ नहीं सकते, यही यहाँ पे लिखा हुआ भी था। देख रहे हो 45% लोग मेरे साथ एग्री करते हैं, कोई नहीं यार। Level 9 ओके मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे क्या बात है। देख रहे हो यहाँ पे जो बंदे खुश दिख रहे हैं, जिनका खुश मिजाज है, ये चाहते हैं भाई साहब खुद से मरना, ये बेसिकली सुसाइड करना चाहते हैं। ऑन द अदर एंड यहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो उसको गलती से फंस गया यार, एक्सीडेंटली ट्रिप्ड हो गया वो, तो जो गलती से फंसा है तो उसकी गलती माफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि यार सुसाइड वाले बंदों को हम दोबारा से एक नई उमंग दे सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो मैं निर्दयी बनना चाहूंगा यार, मैं निर्दयी बनना चाहूंगा, और यहाँ पे जो बंदा अपनी गलती से फंसा, ये गलती करके नहीं सीख पाया भाई साहब क्योंकि लीवर मेरे हाथ में है और ये गलती करके नहीं सीख पाएगा क्योंकि मैं पुल द लीवर कर दूंगा और गुड बाय कर दूंगा इसका यार 20% लोग शिट यार गलत चॉइस कर दी मैं 80% लोग भाई अलग अलग चॉइसेस वाली बात है यार, किसी की चॉइस अलग है, किसी की चॉइस अलग है, और देख रहो मैं अब कम परसेंट पे आ गया, डिसएग्री मार गया अपनी बात से। Level 10 मर्सी। ठीक है ये भी मैं समझ चुका हूँ, Level 10 मर्सी में ये है कि अगर हम लीवर दबा देंगे तो बहुत तेज जाएगी ट्रेन, जो कि पहले स्पीड थी वो अब स्पीड नहीं है, और इस ज्यादा स्पीड से क्या होगा, थोड़ा पेन बंदों को कम होगा, ऐसा ना तुम धीरे धीरे चाकू मारोगे किसी को तो ज्यादा पेन होगा एंड फटाक से मार दोगे तो पेन थोड़ा कम होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस बंदे को पेन कम हो और ये मर भी जाए, और ऑन द अदर हैंड ये जो 5 बंदे है ये बच जाए तो मैं पुल द लीवर कर। अबे ये क्या था, देखो मैं लेवल 10 पे वापस आ चुका हूँ एंड जो मैंने चॉइस करी थी पुल द लीवर, उसमें लीवर पुल नहीं हुआ जो कि सीधी चली गई भाई साहब। मैं डू नथिंग करूँ तो क्या होगा, तो भी भाई साहब यही हुआ, देख रहो दोनों सिनेरियो में सेम था भाई साहब, बस पुल द लीवर और डू नथिंग वाली चॉइस थी यहाँ पे, तो मैंने लीवर को पुल करा एंड 70% लोग मेरे साथ एग्री करते थे। ठीक है तो ठीक है यार,
अच्छी बात है, मेरा कॉन्सेप्ट शायद उन्होंने भी सोचा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, लेवल 10 तक कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं लेवल 11 और आगे भी खेलूं, इसमें मैं देखता हूं यार, पहले अभी देखता हूं जरा मैं, और आगे लेवल है या नहीं। ठीक है भाई साहब, आगे तक लेवल है। तो इस सीरीज के अगर तुम चाहते हो पार्ट 2 आए, तो इस वीडियो को लाइक करके दिखाओ भाई साहब। इस वीडियो का लाइक लगाते केवल कम लगा रहा हूं, ठीक है 100 लाइक्स लगा रहा हूँ केवल। तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक करके जाओ, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब वगैरह कर लो यार, बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता हूँ अलग अलग गेम्स की, तो लाइक करो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।